आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हो कि फ्री में ट्रैवल कैसे करें या कैसे आसान बनाएं अपने ट्रैवल को वो सब। तो मेरे को काफ़ी 2 साल से मैं लगभग फ्री में घूम ही रहा हूँ तो एक्सपीरियंस है मुझे। और ये बात मेरे को मत बोलना यार, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हो कि मैं अब तो फेमस हो गया तो मेरे लिए ईजी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं फेमस नहीं था या लोग नहीं जानते थे मेरे को, नहीं ऑफर करते थे, तब भी मैं बहुत कम पैसों में घुमा करता था, मतलब ना ही के बराबर, मतलब घर पे रहने का ज़्यादा खर्चा हो जाता है उससे ज़्यादा। तो मतलब 50-60-100 रुपये में आपको कहीं पे भी अकोमोडेशन मिल जाता है या गुरुद्वारे में बिल्कुल फ्री हो जाता है ना। तो बहुत बहुत इजी है फ्री में घूमना। इस वीडियो में मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊँगा, क्या क्या सामान आपके साथ रखना चाहिए, क्या बात याद रखनी चाहिए, नाइट स्टे के लिए फ्री कैसे जुगाड़ करना चाहिए, या बाकी सारी जो भी डिटेल है। आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़्यादातर तो चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन मैंने एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना दिया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले सामान की बात करते हैं कि अपने साथ सामान क्या क्या रखना है। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका लिफ्ट का बोर्ड है। लिफ्ट का बोर्ड आपको बहुत सारी हेल्प करेगा, मतलब सिर्फ यातायात के लिए नहीं, उसमें तो करेगा ही, उसके पूरा खर्चा आपका बचाएगा वो। एक दिन में मान लो आपका ट्रैवल का खर्चा 1000 रुपये होता है तो पूरा 1000 रुपये ट्रैवल का खर्चा आपका बच गया, कोई खर्चा नहीं होगा आपका। लिफ्ट का बोर्ड बनवा लो, और उसकी कॉस्ट होती है सिर्फ, किसी भी साइबर कैफ़े में जाओ 30 रुपये का बन जाएगा वो लिफ्ट का बोर्ड, बहुत आसान है। और वो 30 रुपये का बनाते ही आप 30 लाख का फ़ायदा लोगे, मतलब पूरा भारत यात्रा में जितना पैसा खर्च होगा वो सारा बच जाएगा, ट्रैवल का भी, रहने का भी, खाने का भी, वो बोर्ड बनवाने के बाद। उसके अंदर अपनी सारी डिटेल लिख लेना, मतलब भारत यात्रा कर रहे हो या जो भी है सब कुछ लिख लेना, तो वो इजी पड़ जाएगा। हेलमेट अपने साथ हिचहाइकिंग करने के लिए, 2-व्हीलर पे लिफ्ट लेने के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई स्टेट्स में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह पे नहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको हेलमेट अपने साथ रखना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। 100 रुपये का हेलमेट आ जाता है वो कैप वाला, थोड़ा सा सस्ता रहता है वो, पर हो सके तो वो रख लो, क्योंकि पूरा फेस वाला अगर आप रखोगे तो वो बैग में नहीं आ पाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे कैरी करना, तो वो कैप वाला सही रहेगा, 100 रुपये का हेलमेट। और क्या ज़रूरी है, रात में रुकने के लिए कैंपिंग टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2000 रुपये का कैंपिंग टेंट आएगा, डिकैथलॉन में पहले 2000 रुपये का था, अभी शायद 2500 रुपये का हो गया है वो, तो ये देख लेना, जब मैंने लिया था तब 2000 रुपये का था। तो वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप उसके साथ कहीं पे भी, और वो सिर्फ रुकने के लिए नहीं, वो आपको ना एक मेंटल पीस देगा कि आपके पास कुछ भी अगर नहीं है ना, कहीं पे भी फंस जाओ या लॉन्ग हिचहाइकिंग जा रहे हो, पता नहीं जयपुर पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे जयपुर, तो कहीं पे भी मान लो पास तक पहुँच गए तो आप वहाँ पर कैंपिंग टेंट खोल सकते हो। इसके लिए मेंटल पीस देने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आज मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती कैंपिंग टेंट की, लेकिन मैं फिर भी अपने साथ हमेशा उसको रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तुम कौन सा डांस करते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो? ये देखो, ये मेरा वीडियो देख। डांस कौन सा करते हो? ओके। और ये जो मैं बाहर अभी गया था ना, कंबोडिया और थाईलैंड, यहाँ पे मैं हिचहाइकिंग ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाया कि मान लो मैंने अपने एक जगह से शुरू कर दिया और दूसरे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाया तो उसकी बुकिंग के पैसे भी ख़राब होंगे। हालांकि कैंसिलेशन फ्री होता है, लेकिन फिर भी बुकिंग के पैसे ख़राब होंगे, तो या बुकिंग पता नहीं डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, कैसा होगा बीच में रास्ता। कैंपिंग टेंट है ही नहीं है तो आपको पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ या तो महंगा बुक करोगे, आसपास जहां पे भी होगा आसपास कर लोगे, लेकिन महंगा होगा वो, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी रीज़न से मैंने विदेश में हिचहाइकिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कैंपिंग टेंट लेके नहीं गया था। अगर लेके गया होता तो मैं ज़्यादा हिचहाइकिंग करता। बस मैंने बैंकॉक से पटाया करी थी, वो भी 90 किलोमीटर था, मुझे पता था एक दिन में हो ही जाएगा। अब लेकिन जैसे ही 200 किलोमीटर के पार हो जाएगा तो हमें को पता नहीं भाई, अनसर्टेन सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कैंपिंग टेंट है नहीं है तो फिर क्या करेंगे, खर्चा ज़्यादा और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने बाहर नहीं करी। लेकिन आपको इंडिया में करनी है हिचहाइकिंग तो कैंपिंग टेंट लेके रखो, और बहुत आसानी से कहीं पे भी लोकल लोगों की छतों पे लगा सकते हो, खाली मैदान में, स्कूल में, पेट्रोल पंप में, ढाबे पे, बहुत सारी जगहें, जगह का तो कोई इशू होने वाला नहीं है। लेकिन 4 बजे हमेशा अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढना शुरू कर दो, मैं ये बात बोलता हूँ। बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग इस चीज़ को, फिर बोलते हैं अंधेरा हो गया, जगह नहीं मिल रही। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। टाइमिंग से आप कुछ भी बचा सकते हो। देखो मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं वो करता या जो भी है, लेकिन मैं टाइम तो लगा रहा हूँ ना अपना, मैं टाइमिंग ही तो पैसा होती है लोगों का। अगर आप टाइम को सही से मैनेज करोगे तो आपका पैसा बच जाएगा, बस मैं यही बोलता हूँ। और मैं इतना सारा जो घूम रहा हूँ, एक्चुअली उतने टाइम की ज़रूरत थोड़ी ना होती है घूमने के लिए। मान लो मैंने महाराष्ट्र 10 दिन में घूमा तो वो 5 दिन में आप घूम सकते हो अगर आप पैसा लगाओगे तो। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम लगा के घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है, एडवेंचर में मज़ा आता है, तो मेरे पास टाइम है भी है क्योंकि, और मैं तो, मेरा तो काम ही अब यही है ना, फुल टाइम मैं व्लॉगर हूँ। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया वैसे, कई लोग जो ये पूछते हैं, तो मैं फुल टाइम व्लॉगर हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है।
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको एडवेंचर करना है तो, क्योंकि एक दिन में मान लो 250 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है तो ऑब्वियस है कि आप कुछ ले लोगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। वैसे तो बोर्ड के साथ तो आप बस से जल्दी पहुँच बस से भी पहले आप बोर्ड के साथ पहुँच सकते हो। अगर आपके पास हिचहाइकिंग का बोर्ड है ना लिफ्ट का, तो आप बस से भी पहले पहुँचोगे, मैं ये बोलता हूँ। पर हाँ, कभी कभी थोड़ा सा वो हो सकता है, तो इसलिए बोलता हूँ कि बोर्ड बनवा लो, कैंपिंग टेंट और हेलमेट, ये तीन चीज़ें मैंने बता दी। कहीं कहीं पे स्लीपिंग बैग भी चाहिए होगा, लेकिन कंबल से भी हो जाएगा। और शूटिंग अगर आप करते हो ना, मैं ये बात बोलूँगा कि कभी भी आपने आपको कम मत बताना कि यार मेरे तो बस इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं तो छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ। ये शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमेशा अपने आप को बुलाओ कि बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, ये वो। घमंड नहीं बोल रहा, मतलब सामने वाले को ना मज़ा आना चाहिए आपसे मिलके, तो एक लेवल बना के मिलना चाहिए। कभी भी आप ऐसे बोल गए मैं तो छोटा मोटा हूँ, ये वो, ऐसे नहीं, आपसे मिलके मज़ा आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस रखो हर चीज़ में, आपको बहुत सारी वो मिलेंगे। कैमरे से ना बहुत सारी हेल्प मिलती है। लोग पता नहीं, मेरे को तो कई बार मीडिया का समझ लेते हैं, कोई समझता पुलिस समझ लेते हैं कि मैं हमारी क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये वो। मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है कैमरे के साथ, कैमरा और वो लिफ्ट वाला जो बोर्ड है ना उसके साथ। तो कैमरा लेके ट्रैवल करोगे तो और ज़्यादा होगा। और ये वाले को, इस वाले को तो कोई जानते भी नहीं, मतलब यार मैं सोच रहा हूँ GoPro बहुत फेमस है, एक्शन कैमरा ये सब। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है, बोले उनको समझ ही में नहीं आता, क्योंकि मेरे हाथ से पीछे से ये पूरा ढक जाता है। मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, हाथ से पकड़ता हूँ मैं, तो ये पूरा कवर हो जाता है, दिखता नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा होता है ना, तो दिखता नहीं है, तो लोग बोलते हैं ये क्या है ये, मैं कैमरा, बोले इतना छोटा ये, तो उनको लगता है भाई बड़ा कुछ वो होगा, कितने का आता है, ऐसे ऐसे ये सब सवाल आते रहते हैं। बाकी मोबाइल से करो तो ठीक है, वो ऑर्डिनरी होता है, फिर मोबाइल से करते हैं तो वो पता चलता है कि अनप्रोफेशनल है। अभी मैं भी बहुत सालों तक मैंने मोबाइल से ही काम करा, सीखा। आप भी मोबाइल से सीख सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो GoPro ले लो, उससे आपको ही बहुत ईजी हो जाएगा और लोग देखेंगे तो अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। उसका जैसे नहीं बोल रहा, पर हाँ काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं GoPro के साथ। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल बस ये मैं चीज़ें बता रहा था कि स्लीपिंग बैग, कैंपिंग टेंट, हेलमेट और लिफ्ट बोर्ड, ये सब अपने साथ रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक पावर बैंक भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। 10,000 mAh से वैसे एक दिन का काम आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर आप जंगल, माउंटेन्स, ट्रैकिंग ये सब करना चाहते हो तो 20,000 mAh का पावर बैंक रख लो, वो ईजी हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी मैंने अभी डाली है, आ जाओ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि जूते या कपड़े या ये सब क्या एक्सेसरीज़ ये सब रखें। जूते में हमेशा बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स शूज़ रखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ट्रैकिंग वाले बहुत भारी हो जाते हैं शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ सबसे बेस्ट हैं। और टी शर्ट वगैरह ना ऐसी रखो हाफ बाजू की, जो चलते चलते सूख जाती है, गीली हो जाती है, कभी नहा लिए झरने में नदी में तो अपने आप सूख जाती है। तो शर्ट को अवॉइड करो, मैं ये बोलूँगा। और जीन्स भी, जीन्स का भी कोई वो नहीं है। आपको जब लंबा खेलना है ना कोई चीज़, तो कुछ चीज़ों से सेक्रीफाइस करो, फैशन को ज़्यादा वो मत रखो, ठीक है। कभी कभी होस्ट का ही पहन लिया करो, कभी कोई होस्ट मिलेगा पर हाँ, हमको ना, मेरे को शुरू से ही मैंने ये फील करा कि 10-10 ग्राम का वज़न मैंने बहुत बचाया है। कई लोग ना मेरे को गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को गिफ्ट देने, ये रख लो, ये ले लो, मतलब यार मेरे लिए 10 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है। मेरे को कभी कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी धूप में चलना पड़ता है, या इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मेरे बैग में अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो फिर मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ निकालने में टाइम लगेगा। ये सब बहुत चैम्बर मेरे बने हुए हैं कि मैं आँख बंद करके भी अपने बैग में कहीं पे भी हाथ डालूँगा तो ज़रूरत की चीज़ मैं निकाल सकता हूँ अंधेरे में, तो ज़रूरत की चीज़ें रखता हूँ मैं। और ये टी शर्ट वगैरह, पजामे या शॉर्ट्स या स्पोर्ट्स शूज़, एक जोड़ी चप्पल, कैप, सन ग्लासेस, ये सब मैं अपने बैग में रखता हूँ, तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा रखो आप, 2-3 जोड़ी या जितना भी है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। शर्ट और जीन्स को, इन सबको अवॉइड करो, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है उसके साथ, करने को तो कर ही लोगे, सब कुछ हो जाता है, मैं बस ईजी करने का तरीका बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको मान लो लद्दाख जाना है तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है लद्दाख की, तो सबसे पहले गूगल GPS में आप डालोगे कि मेरे को लद्दाख जाना है, डिस्टेंस देखोगे। मैं अभी दिल्ली में हूँ जैसे, तो दिल्ली से मैं डिस्टेंस देखूंगा लद्दाख का कितना है, मान लो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर यानी मेरे को लगभग एवरेज मान लेते कि 5 स्टॉप लेने पड़ेंगे। तो कहाँ कहाँ पे लेने पड़ेंगे, दिल्ली से सबसे पहले जाएंगे तो चंडीगढ़ का स्टॉप बनेगा, वहाँ पे गुरुद्वारा है, हाँ पंचकुला में है, बहुत अच्छी बात है। फिर अगला वहाँ से कहाँ पे स्टॉप ले सकता हूँ, मंडी या कुल्लू आएगा, बीच में और भी आएंगी जगह, लेकिन उतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी अच्छी, तो बेहतर है कि मंडी तक पहुँचाओ, मंडी में गुरुद्वारा है, ठीक है, कुल्लू में पहुँच गए, मंडी में पहुँच गए, या कहीं पे भी कुल्लू में भी है या मनाली में भी है, तो मनाली इनमें से कहीं पे भी आप पहुँच सकते हो चंडीगढ़। फिर वहाँ से अगला कौन सा स्टॉप आएगा, वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, गुरुद्वारा नहीं है, तो आपको ऐसे ऐसे देखते हुए लद्दाख तक पहुँचना है। और
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कभी कभी, या थक जाते हैं इस वजह से भी कि वो सुबह सुबह नहीं निकल पाते हैं। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि सुबह सुबह निकलने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ये बात बोलता हूँ कि 4 बजे आपको अपनी यात्रा ख़त्म कर देनी है, तो सुबह जल्दी शुरू करना पड़ेगा। यानी कि 10 घंटे अगर करना है तो सुबह 6 बजे शुरू करोगे तो 10 घंटे करने के बाद 4 बजे आप कहीं पर भी रुक सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे, वो डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा गया, कैसा आगे होस्ट है या लोकेशन है। तो कोशिश करो कि 4 बजे तक आपको कंफर्म अपना ठिकाना मिल जाए वो सब। तो जल्दी शुरू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा के बीच में क्या क्या है। जैसे मान लो लद्दाख का करना है, तो लद्दाख मैंने जब पहली बार किया था तो 30 दिन का किया था, दूसरी बार किया था तो 50 दिन का किया था, और उसमें एक भी रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ था। और मैंने सब में यही अंदाज़ा लगाया था कि मेरे को कहाँ के बाद कहाँ जाना है और उसके लिए कितनी जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे कि मान लो चंडीगढ़ से जब कुल्लू की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि 14 घंटे की हिचहाइकिंग होती है। 14 घंटे की हिचहाइकिंग सोच रहे हो, मतलब आपको स्वारघाट या बिलासपुर के बाद आपको डायरेक्ट हिचहाइकिंग लेनी पड़ेगी, वरना आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं पे। तो ये एक बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है कि आपको 3-4 बजे के आसपास डायरेक्ट लिफ्ट लेने का ट्राई करना चाहिए, तब तक आप जितना पास तक हो सके चले जाओ। और मेरी सारी वीडियो देखोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा, ये सब मैं टिप्स देता रहता हूँ, हिचहाइकिंग के टिप्स, कैंपिंग के टिप्स, फ्री स्टे के जो भी है, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। और देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो मैंने अप्लाई किया, आप करो या ना करो वो आप डिसाइड कर लो। तो मैंने क्या किया था ना, जब मैंने ये सब ट्रैवल किया था तो मैंने अपना डेबिट कार्ड सरेंडर कर दिया था। मेरे पास कोई डेबिट कार्ड नहीं रहता, कोई कैश रहता नहीं, और जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं ना, तो आपका दिमाग सारा उस तरफ चलेगा कि मेरे को बिना पैसों के कैसे मैनेज करना है। ना मेरे पास डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से ही UPI बनता है। UPI की डिटेल्स, UPI बनाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए होती है, जो कि मेरे पास नहीं है, या ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड, और ना ही मैं अपने साथ कैश रखता हूँ। तो आपके पास होगा ही नहीं तो आपका दिमाग उस तरह से चलेगा। मैं ये इसीलिए बोलता हूँ कि आप पैसे लेके मत निकलो, या 1-2 हज़ार रुपये लेके निकलो बस। और हाँ, रिटर्न का पैसा हमेशा बस अपने पास रखो, कि भारत के किसी भी कोने में हो गए ना तो रिटर्न आप घर पे आ सकते हो, यानी कि 1000 रुपये। वो 1000 रुपये बजट से अलग है, सब कुछ से अलग है, कुछ भी हो जाएगा ना वो 1000 रुपये लास्ट में आएंगे बाहर। तो वो बजट आपके पास है, मान लो कन्याकुमारी से वापस आना है, कल को ही आना है, कहीं से भी आना है, 1000 रुपये में आप इंडिया के किसी भी कोने से अपने घर तक पहुँच सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो वो आप बैंक में रख सकते हो, या UPI में, या जैसे भी। वैसे मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने साथ पैसे मत रखो, पर हाँ इमरजेंसी, ये ऐसे मैं बनाता हूँ इमरजेंसी फ़ंड। ये तो घर पे आने का इमरजेंसी फ़ंड होता है, और एक मेडिकल इमरजेंसी का फ़ंड होता है, वो आपके ट्रैवल का खर्चा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप पैसे रखते हो क्या अपने साथ, मैं बोलता हूँ नहीं रखता मैं अपने साथ, एक्चुअली मैं रखता हूँ मैं अपने साथ, पर वो मेरा इमरजेंसी बजट है। इमरजेंसी बजट मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरा इमरजेंसी बजट है, वो होगा तभी जब वैसी सिचुएशन घटेगी। मेरे को आज तक ऐसे नहीं आई कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई, ना ही घर पे तुरंत भागना है मुझे, ऐसा कभी भी नहीं आया। बाहर इंटरनेशनल में आया था वैसे इंटरनेशनल में, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यार, मेरे को इंडिया घर जाना है, वापस जाना है। हाँ, इंडिया में ऐसे कभी सिचुएशन नहीं आई, इंडिया में मैं जहाँ पे भी रहा हूँ आराम से हिचहाइकिंग करके घर पे आ जाता हूँ वापस। बस हाँ, ये 2 इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखो, घर पे आने का खर्चा और मेडिकल इमरजेंसी फ़ंड। इसके अलावा आप पैसे मत रखो अपने पास, मैं तो ये बोलता हूँ, खर्चा मत करो उनको भी, खर्चा मत करो इमरजेंसी फ़ंड को भी, तो आपका खर्चा होगा ही नहीं, आपका दिमाग फिर उस तरह से चलेगा, भाई है ही नहीं मेरे पास पैसे। अगर कोशिश कर सकते हो तो वो भी हटा दो इमरजेंसी फ़ंड, पर रिस्क हो जाएगा वो। अगर जैसे अब मेरे को ना लोग जानते हैं हर जगह पे, मेरे को कहीं पे भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, कहीं पे भी मैं निकाल सकता हूँ कैसे भी करके, क्योंकि ना मेरे पास डेबिट कार्ड है ना कुछ है, तो मैं लोगों से कुछ भी हेल्प ले सकता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन जब आपको कोई जानता नहीं है, कुछ भी नहीं ना, तो रिस्क मत लेना, थोड़ा सा पैसा रख लेना अपने साथ बस, ये बाकी पैसा लगेगा नहीं, ये मेरी वो है। जो टिप्स मैंने बताया, सामान ये सारा अपने साथ रख लेना, और जो टिप्स मैंने दिए हैं टाइम को मैनेज करने के, हिचहाइकिंग को मैनेज करने के, वो फॉलो करना, पैसा नहीं लगेगा आपको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताता हूँ कि खाने का कैसे मैनेज करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने बैग में हमेशा कुछ ना कुछ खाने का रखो, उससे आपका खाने का बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। वैसे तो इंडिया में बहुत सस्ता है खाना, ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में भी बहुत सस्ता था खाना, पहाड़ में थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, पहाड़ में 40 रुपये का पराठा मिलेगा, ऐसे ऐसे। बस आपको ये करना है कि जहाँ भी होस्ट मिले या कुछ भी मिले तो उसे पैक करा सकते हो आप। मैंने बहुत बार ऐसे कराया कि आलू के पराठे पैक करा लिए, या कुछ भी सूखा खाना पैक करा लिया, तो उससे क्या पूरे दिन का वो हो जाता है। एक ही बार खाने की ज़रूरत पड़ती है वैसे, दिन में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और कोई भी ऑफ़र करे तो ठीक है,
मेरे को तो बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, मैं तो बोलता हूँ ठीक है चलो। और अब इतना ज़्यादा होता है कि ना लोग, मेरे को मना करना पड़ता है, मेरे को नहीं खाना भाई नहीं, वो ज़बरदस्ती खिलाते पिलाते रहेंगे हर कोई, तो हर गली में अब कोई ना कोई मिल जाता है, हर रोड पे कोई ना कोई मिल जाता है, चलो सर कुछ खिलाते पिलाते हैं। मैं बोला नहीं भाई खाना वाना नहीं है यार मेरे को, टाइम भी तो है ना, टाइम मेरा उस चीज़ में चला जाएगा। फिर वो मान लो कभी मेरे को होती भी ज़रूरत, तो फिर वो और बुला लाते हैं कि मेरा दोस्त आ रहा है मिलने वो सब, तो मेरे को टाइम भी मैनेज करना है, सिर्फ खाना थोड़ी ना मैनेज करना है। खाना ऐसे हो जाता है अब तो आसानी से, पहले भी हो जाता था, खाना मैनेज करना बहुत इजी है। बस मैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये बता रहा था कि अपने साथ रखो सूखा खाना, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, और हो सके तो आलू के पराठे या ऐसा, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा फिर घूमना। और अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताता हूँ कि कैंपिंग टेंट के लिए आपको लोकेशन कैसे ढूंढनी है, फ्री में रहना कैसे है। तो मैंने जब शुरुआत करी थी ना, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे डालता था, और कोई भी मान लो किसी भी स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बंदा मिलता है ना, उसको बस एक बात बोलो आप, कभी कुछ नहीं मांगना है किसी से भी, आपको बस एक चीज़ बोलना है उसको कि मेरे को आपकी छत पर कैंपिंग टेंट लगाने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, बस आपको इतना ही पूछना। और ये बहुत सारे लोग, मतलब हम जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो हमारे पास इतना ज़्यादा जगह होती नहीं है, टेरेस भी नहीं होता, ये सब नहीं होता, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं, हाईवे ऐसे हैं, उनके लिए 6 फुट की जगह देना कोई वो नहीं है, उनके लिए बहुत इजी है ना। तो वो हाईवे जो ओपन ओपन होते हैं, गाँव होते हैं, है ना, माउंटेंस होते हैं, उनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, तो आपको छत पे कैंपिंग टेंट लगाने के लिए तो कहीं पे भी जगह मिल जाएगी आपको, इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इसमें क्या बता रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे अपडेट करने की ज़रूरत है, और उनसे बस एक ही सवाल पूछना है, क्या मुझे आपके छत पे या घर के सामने, कि बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, पूरे भारत आप घूमोगे तो पता चलेगा आपको ज्योग्राफी है क्या, तो वो आपको एक बार समझ में आ जाएगी ना, तो आप सिटी को अवॉइड करोगे। सिटी में जाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी, बाहर हाईवे पे रहोगे, बड़े बड़े उस पे रहोगे, मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप हिचहाइकिंग कर रहे हो, तो आपको हाईवे पे ही रहना है, मान लो सारे स्टेट देखने हैं, सारा वो देखना है, तो उस हाईवे पे ना बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि भाई मेरे को बस एक रात लगाने के लिए कैंपिंग टेंट चाहिए, कैंपिंग टेंट लगाने की जगह चाहिए। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये लगाना, सवाल एक ही पूछना है, आपके छत पर मुझे कैंपिंग टेंट लगाने की जगह मिल जाएगी क्या। और मैं भी शुरुआत में यही करता था, लेकिन जब आप ये सवाल पूछोगे तो वो खुद ही बोल देंगे भाई कैंपिंग टेंट को लगाना, हमारे घर में रहो आके आप, और खाना पीना भी फिर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर सवाल एक ही पूछना है, मांग ज़्यादा ज़्यादा की चाहत करनी नहीं है, मिलेगा ज़्यादा पर मांगना थोड़ा कम है शुरुआत में, इससे क्या कम्फर्टेबल लगेगा सामने वाले को भी और आपको भी। सीधा होस्टिंग नहीं मांगनी है, तो मैंने आज तक काउच सर्फिंग यूज़ नहीं करा, मेरे को लोग बोलते हैं ये यूज़ करा वो यूज़ करा, कुछ नहीं यूज़ करा भाई, मैं सीधा बस फेसबुक पे अपडेट करता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ, कोई रास्ते में हो तो बता दो, छत पे कैंपिंग टेंट लगाने की ज़रूरत है ये जो भी है, अब तो मेरे को वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती खैर। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं यही करता हूँ कि पहले ही अपनी यात्रा के बारे में 1 महीने पहले, 7 दिन पहले, फिर 4 दिन पहले रोज़ अपडेट करो, कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट मिलता जाएगा। और छत पे कैंपिंग टेंट लगवाना किसी के लिए वो बड़ी बात नहीं है, उसको भी थोड़ी कंपनी मिल जाती है, आजकल लोगों के पास दोस्त हैं कहाँ यार, मतलब आप चले जाओ कि कहीं पे तो उसको अच्छा ही लगेगा कि भाई चलो 4 बातें हो गई, ऐसा ही होता है, सब लोग मेरे को यही बोलते हैं, ये मोबाइल की दुनिया ने ना अपनों को ही अलग कर दिया है मतलब। तो मैं जाता हूँ कई बार तो बहुत बातें होती हैं, उनको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, सोशलाइज हो जाते हैं, बढ़िया है ये, यही तरीका ठीक है। फिर ये सारे ऐप्स जो हैं काउच सर्फिंग और ये सब, ये क्यों काम करते हैं, क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं ना बात करने के लिए कोई, तो अच्छा है चलो 4 बातें हो जाती है, और ट्रैवलर से बात करना तो हर कोई पसंद करता है, तो हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, यही बताना था। और एक बात आपको ना इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर आपको पूरा भारत घूमना है ना, तो कुछ ना स्पेशल यात्राएं होती हैं, हर स्टेट की कुछ यात्राएं होती हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वो मतलब करनी तो अकेले ही है आपको, लेकिन उनकी कुछ ड्यूरेशन होती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि कब कब ये यात्रा होती है। जैसे उत्तराखंड में एक हेमकुंड की यात्रा होती है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, भारत को देख भी लोगे आप, उत्तराखंड पूरा देख लोगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाता है वो, मतलब पूरा ही उत्तराखंड पार कर जाओगे आप। और ऐसे महाराष्ट्र में एक नर्मदा परिक्रमा होती है, या अलग अलग एक राजस्थान में एक और होती है, मेरे को याद नहीं आ रही, राजस्थान में होती है, कमेंट करके बताओ कौन सी बोल रहा हूँ मैं। और हर स्टेट की मतलब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई यात्राएं होती हैं, उनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपका काम वैसे ही आधा आसान हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे कैंपिंग टेंट के भी, खुद ही सब कुछ वहाँ पे लगा रहेगा, पंडाल और वो सब। तो अगर आप नए हो और सोच रहे हो कि मेरे जैसा नहीं कर सकते, वैसे तो कर ही सकते हो, मेरे को पता है जो टिप्स मैंने दिया उन्हें फॉलो करके आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है वो हो रहे हो, तो इन यात्राओं को ज्वाइन कर लो आप, हेमकुंड की यात्रा या
हिमाचल प्रदेश में मणिकरण चले जाओ, मणिकरण में गुरुद्वारा है बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसी धार्मिक जगहों पे आप जाके इजीली पूरा भारत देख सकते हो। बहुत आसान है यार, मतलब आपको बस ये पता नहीं है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो और ये सब। मेरे को पता है ये सब कि आप निकल भी जाओगे ना, ये वीडियो देखे बिना भी कोई निकल जाए उसका अपने आप हो जाएगा। बस पैसे नहीं होने चाहिए आपके पास, पैसे होगा तो खर्चा हो जाएगा फिर फिर क्योंकि आप बताओगे नहीं ना किसी को कि भाई मैं ऐसे ऐसे यात्रा कर रहा हूँ। पैसे नहीं होगा तो बताओगे आप कि भाई मैं ऐसे ऐसे यात्रा कर रहा हूँ, मैं बिना पैसों के अपना देश घूमने निकला हूँ, तब आपको सब लोग हेल्प करेंगे और बोर्ड भी होगा आपके पास, हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो में दे दी। पुराने एक जब मैं मोबाइल यूज़ करता था ना तब मैंने ये सब वीडियो बनाई थी इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अब वो शायद मैंने डिलीट कर दिया है पता नहीं, याद नहीं मुझे, शायद होगी। तो उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ये सारी, लेकिन अब और ज़्यादा पॉइंट्स के साथ इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ मैं। वीडियो का शेयर सब तक करके जाना, बाय बाय। मैं घूमने आता हूँ पार्क में ना थोड़ा सा शाम को, अब जा रहा हूँ घूमने, शूटिंग करी मैंने 1 घंटा। बाय बाय।